इस समय आप चाहें तो बीज से भी उसको उगा सकते हैं और जो इसका फूल है फूल से भी इसको उगा सकते हैं। दोस्तों ये चल रहा अगस्त का महीना और इस अगस्त के महीने में अपने गार्डन में अगर गेंदे का पौधा लगाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाए हो तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक देखने के बाद आप गेंदे के पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगा लेंगे। और यहाँ तक कि हम आपको बताएं कि गेंदे के पौधे की नर्सरी कैसे डालते हैं और नर्सरी के साथ 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 इसकी पोटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं और पोटिंग्स बनाते हैं कैसे कि स्ट्रांग बनाते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो पौधा आपका है वो सर्दियों में फूल ही फूल आपकी आए गेंदे के पौधे में। और दोस्तों होता क्या कि इस समय जो चल रहा है ना, इस समय लोग देसी वेरायटी क्या लोग लगाएँ गेंदे के पौधा, लेकिन देसी वेरायटी में दोस्तों फूल बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता। अभी भी समय बिल्कुल है, हाइब्रिड वेरायटी आप लगा सकते हैं। आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए हम हैबिट वैरायटी के नर्सरी डाल रखे हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा। देखिए नर्सरी में डाल रखा है और ये देखिए बहुत पहले ही कम से कम 4 से 5 दिन पहले ये रेडी हो गया था, लेकिन देखिए अभी ज़्यादा ये मैच्योर हो रहा है। इसको हमको लगाना चाहिए लेकिन दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सोचा अब एक वीडियो भी बना दें और वीडियो बना के आपको दिखा भी दें कैसे इसको लगाते हैं और क्या करते हैं। तो नर्सरी का वीडियो दोस्तों हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन वीडियो में बने रहिए, आपको बताएंगे कैसे इसको नर्सरी डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या है कि इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको निकालते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से पूरा जड़ से इसको निकाल लेते हैं। और कम से कम दोस्तों 10 से 15 पौधे हम लगाएंगे, तो ये 10 से 15 पौधे इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर आपको हम ये दिखाते हैं। देखिए हम पौधे को निकाल लिए और ये कम से कम 10 से 12 पौधे हैं और 10 से 12 पौधे हम लगाएंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको ज़मीन में लगा देंगे। गमलों में लगाने के लिए इसकी पोटिंग कैसे तैयार करते हैं दोस्तों वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और गेंदे के पौधे पे आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो नर्सरी की अगर बात कर रहे हैं तो नर्सरी तो इस समय आप चाहें तो बीज से भी उसको उगा सकते हैं और जो इसका फूल है फूल से भी इसको उगा सकते हैं। अगर आपके पास फूल है तो उस अच्छे तरीके से उसको सुखा दीजिए, क्योंकि दोस्तों धूप में जब उसको सुखा देंगे, और बहुत लोग सुखा के गर्मी के मौसम में जो फूल होता है उसको सुखा के रखे रहते हैं, क्योंकि देखिए अगर जब तक आप प्री प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक उस समय से पहले अपने गार्डन में कोई भी फूल आप नहीं ला सकते हैं। या आपका सूखा हुआ फूल नहीं है तो जो आप देख रहे हैं सूखे हुए फूल का ये नर्सरी है, सूखा हुआ फूल लेके करना क्या दोस्तों, उसको मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी में क्या है कि अगर आप चाहें तो मिट्टी को चाल लीजिए, बहुत बारीक ले लीजिए मिट्टी, उसमें कंकड़ ईटे पट्टे उसमें नहीं होना चाहिए। और या तो आप मिट्टी को स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो बर्मी कंपोस्ट और उसके बाद कोकोपीट दोनों को मिक्स करिए, 50-50 रेशियो ले लीजिए, दोनों को मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद एक लेयर लगा दीजिए मिट्टी का, कम से कम 2 से 3 इंच का कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट का ही लेयर लगा के उसके बाद जो सूखे हुए फूल हैं सूखे हुए फूल को उस पर फैला दीजिए और उसके ऊपर से 1/2 इंच का कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट जो जो आपने मिक्स बनाया रखा है उसको ऊपर से 1/2 इंच का लेयर लगा दीजिए और उसके बाद आप दे दीजिए पानी। बस थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट बारिश इस टाइम का मौसम है, डायरेक्ट बारिश उस पर न पड़ने पाए, डायरेक्ट बारिश होगी तो दिक्कत उसमें ये होगा कि दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो जो उसका अब फूल अब डाले हैं वो इधर उधर हो जाएगा और अच्छे तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, तो इसका आपको ध्यान देना है। तो उसके बाद अगर इसके लिए करना क्या, आप इसके लिए कोई प्लास्टिक या कुछ भी चट या बोरा मिल जाए तो उसको ऊपर से आप ढक दिया करिए, केयर तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इसे आप देखेंगे कम से कम 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे तरीके से पौधा आपका ग्रो हो जाएगा। उसमें बस केवल ख्याल आपको यही करना पड़ेगा, अगर पानी नहीं पड़ रहा है तो आपको पानी देना पड़ेगा बराबर, उसको नमी को बना के रखना पड़ेगा। सीड से भी ग्रो करने का यही सेम प्रक्रिया है, कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट दोनों बहुत बेहतरीन है, दोनों को मिलाइए और मिलाने के बाद सीड्स को भी ग्रो करने का सेम वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आप उसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने ये ग्रो कर लिया है पौधा, तो अब इसका बताते हैं कि इसका पोटिंग मिक्स कैसे तैयार करते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखा दूँ, ध्यान से देखेंगे तो मैंने ले रखा है, ये देखिए ये ले रखा है गार्डन सॉयल, और देखिए गार्डन सॉयल भी आपको लेना है तो थोड़ा सा जब लीजिएगा तो अच्छे तरीके से इसको चाल लीजिएगा, इसको साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ कि कभी भी जब ये सॉयल लीजिए गार्डन सॉयल, तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि अपने गार्डन के ही ऊपर की ही मिट्टी को बटोर लेते हैं। दोस्तों ऊपर की मिट्टी में उतने बैक्टीरिया नहीं होते हैं, कम से कम नीचे की मिट्टी लीजिए, 5 से 6 इंच गहराई का नीचे की मिट्टी लेंगे तो उसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। अब उसमें करना क्या है, देखिए मिट्टी ले लीजिए, दूसरे नंबर पर इसमें लेना क्या है, ये कितना मिट्टी लेना है, 50% आपको ले लीजिए मिट्टी, ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद देखिए 20% मैंने ले लिया है रेत,
देखिए हम कम से कम 14 से 15 गमलों का मिट्टी बना रहे हैं, इसलिए जो रेशियो हम रेशियो नोट कर लीजिए 20% रेत हो गया जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है जिसे बालू कहते हैं, और उसके बाद 30% इसमें आप कंपोस्ट ले लीजिए। देखिए कंपोस्ट में इसमें क्या लेना है कि देखिए थोड़ी सी हम इसमें ये सड़ी गोबर खाद ले रखे हैं ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों अभी इससे काम में चलने वाला नहीं है, तो इसमें हम 4 से 5 किलो का बर्मी कंपोस्ट है तो इसको हम ले लेते हैं। और इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। ये तो कन्फर्म होंगे तीन चीज़, 50% मिट्टी, 20% सैंड और 30% कंपोस्ट। कंपोस्ट में आपके पास जो भी होगा कुछ भी आप ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, सड़ी गोबर की खाद, लीव कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी आपके पास होगा। अगर चारों होगा तो चारों को आप उसे बराबर बराबर मात्रा में बांट लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए मेन बात आती है, इसमें आपको लेना क्या है। सबसे पहले आपको इसमें लेना है नीम की खली। दोस्तों नीम की खली तो जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन है, कोई भी पोटिंग मिक्स हम तैयार करते हैं तो नीम की खली बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये है नीम की खली। नीम की खली के बाद क्या हमको लेना है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं लोग मार्केट में इसे सीविड फर्टिलाइजर जानते हैं, लेकिन ये सीविड फर्टिलाइजर नहीं है, ये जाइम है, जिसे धनजाइम भी बोल सकते हैं। और इसको कितना लेना है, अगर आप 1 से 2 पौधे के लिए अगर मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो 1 से 2 मुट्ठी अपने हाथों से इसे आप ले सकते हैं। ये 1 kg हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या इसमें डाल रहे हैं, ये भी मस्ट है, जो भी हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल मस्ट है। ये आप देख रहे हैं ये है बोन मील। दोस्तों बोन मील अच्छी क्वालिटी का होगा तो ही यूज करिएगा, अन्यथा बरसात के समय में फंगस लग सकता है आपके पौधे पर। देखिए अम्मा हम बोन मील अच्छी क्वालिटी के लिए हैं और इसको हम डाल देते हैं। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, अगर बोन मील आपके पास नहीं होगा या नहीं यूज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हड्डी का चूरा हम नहीं इसमें यूज करेंगे, तो इसके जगह स्टोन डस्ट या रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट अगर आपके पास होगा अच्छी क्वालिटी का तो उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए रॉक फास्फेट है, हल्का सा इसमें डाल लेते हैं, रॉक फास्फेट भी इसमें आप मिक्स कर लीजिए। अब बात आती है इसमें फंगिसाइड के लिए क्या आपको डालना है। दोस्तों फंगिसाइड के लिए आपको डालना है ये ट्राइकोडर्मा पाउडर, ये अभी देख लीजिए, कम से कम इसमें दोस्तों 4 से 5 चम्मच हम डाल लेते हैं ट्राइकोडर्मा ये पाउडर। आप इसमें लकड़ी का राख भी यूज कर सकते हैं, हल्दी का पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक चीज़ मेरे पास नहीं है, आपके पास होगा तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, चूना हो जाए बुझा हुआ चूना या चाक, चाक को लीजिए और इसमें मिक्स कर दीजिए। दोस्तों हम सभी को इसमें हम कर देते हैं मिक्स। मिट्टी को मिक्स कर दिए अच्छे तरीके से। अब करना क्या आप देख सकते हो, वहाँ पे देखिए आप, हमने गमले ये लगा रखे हैं और एक पॉट में एक पौधा बिल्कुल पर्याप्त है। और 10 इंच की गमला देखिए, सारे जितने हमने गमला रखा 10 इंच गमला है, तो 10 इंच गमले में हम मिट्टी को ये भर देते हैं। और आप चाहें तो 12 इंच गमला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 12 इंच गमले में दोस्तों आप उसे 2 पौधे लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी देखिए, मैं इसलिए आपको कह रहा था कि अगर आप पहले थोड़ा सा इसमें लगाते हैं तो पिंचिंग करने का आपको टाइम मिलेगा, और जब पिंचिंग करेंगे तो दोस्तों उसमें थोड़ा सा समय लगता है, जब समय लगता है तो पौधा आपका अच्छे तरीके से भूसी भी होता है, जब जितना पौधा भूसी होगा उतना पौधा आपका में फूल भी आएंगे। देखिए हम सभी में भर देते हैं मिट्टी को। देखिए हम सभी में मिट्टी भर दी है, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बराबर, और लगाने के बाद जिसमें देखेंगे मिट्टी कम रहेगा तो उसमें फिर दोबारा हम मिट्टी भर देंगे। अब देखिए इसको हम लगा देते हैं, और लगाने के लिए दोस्तों करना क्या है कि हल्का सा आप इसमें गड्ढा करिए, और गड्ढा करना हल्का से प्रेस कर दीजिए, और जब प्रेस करिए तो मिट्टी को अगल बगल से लगा के उसको हल्का सा प्रेस, देखिए ये लग गया है बिल्कुल। इस तरीके से हम सभी पौधे को लगा देते हैं, लगा के फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद करना क्या है, इसमें भी हम लगा देते हैं।
और लगाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी इसमें कम है, सब में हम चारों तरफ इसमें दे देते हैं ये मिट्टी, क्योंकि बरसात के समय है और बरसात के समय में दोस्तों गमला अगर थोड़ी सी भी हम खाली रखेंगे ना तो जब ये पानी पड़ रहा है तो पूरा गमला भर जा रहा है। तो अभी ये पौधा छोटा है, पौधा छोटा है तो इससे ये भी हो सकता है कि पौधा मर भी सकता है। और उसके बाद हम दे देते हैं इसमें पानी। पानी आप दीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान यही देना है कि पानी एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों ऐसे होता क्या है ना कि कभी कभी जो पौधा होता है या तो नर्सरी से जो कोई पौधा आप लेके आते हैं और इस तरीके से पोटिंग्स बना के आप लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से देखते होंगे पौधा आपका शौक असम चला जाता है। दोस्तों ऐसा होता है तो इसलिए अगर आप पानी कम देंगे तो शौक अवस्था में न जाने की परसेंटेज कुछ कम रहेगा। और करना क्या है, 10 से 12 घंटे जब बीत जाएगा ना तो उसके बाद आप इसमें भरपूर पानी आप इसे दे सकते हैं, 24 घंटा बाद भी पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको रख देना है छाया जगह पे। ये तो ऑलरेडी धूप वाला पौधा है लेकिन 1 से 2 दिन तक इसको रख दीजिएगा छाया जगह पे। और इस समय बरसात का भी समय है, बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन खैर जहाँ पे जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है धूप से इसे बचाइए। और धूप से जब इसको बचाने के बाद 2 से 3 दिन बाद इसको आप बिल्कुल फुल सनलाइट में इसको आप रख दीजिएगा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसकी केयर कैसे करते हैं। दोस्तों इसकी केयर का हम एक प्लेलिस्ट आपको बनाएंगे और प्लेलिस्ट बना के चैनल पे ऐड कर देंगे, तो ज़रूर से इस वीडियो को आप देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।